हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज। तो आज बात करने वाले हैं क्रू मूवी के बारे में, जिसमें भाई आपको लीड रोल में करीना कपूर खान, तब्बू और कृति सैनन नजर आ जाएंगी। तो भाई मूवी बेस्ड है एयर होस्टेस पर, यानी कि एक एयरलाइन पर बेस्ड मूवी है। तो भाई डिटेल में आपसे बात करूंगा कि मूवी कैसी थी, क्या मूवी अच्छी थी या नहीं थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस मूवी को रेटिंग्स देना चाहूंगा। मूवी को रेटिंग्स दूंगा 5 में से 3 स्टार्स रेटिंग। अब फ्रेंड्स, आइए इसकी स्टोरी टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। स्टोरी टाइमलाइन बेस्ड है यार एक एयरलाइंस पर, जिसमें भाई काफी सारा स्टाफ काम करता है, लेकिन बेसिकली हमें 3 फीमेल स्टाफ की स्टोरी दिखाई गई है, जो कि भाई उस एयरलाइन में काम करती है एज ए एयर होस्टेस। और भाई वो एयरलाइन एक्चुअली में बैंककरप्ट हो चुकी है, और उस बैंककरप्सी में भाई उस एयरलाइन के स्टाफ को भाई कोई सैलरी नहीं मिल रही। बहुत बहुत देर हो गई है, 6 से 7 महीने तो भाई उन्हें सैलरी नहीं मिली है। तो भाई आप ये स्टोरी रिलेट कर सकते हैं विजय माल्या के साथ। विजय माल्या की एयरलाइंस कंपनी के साथ भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ था। तो भाई आपको देखकर पता लग जाएगा कि भाई ये स्टोरी कुछ ना कुछ विजय माल्या से रिलेटेड है, लेकिन पूरी स्टोरी उनकी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर है। तो भाई ये सारी स्टोरी इसी पर बेस्ड हमें दिखाई गई है, और लास्ट में ये क्रू स्टाफ कैसे उससे बदला लेता है एयरलाइन से अपनी सैलरी के बदले में। तो भाई ये सब देखने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, 2 घंटे के आसपास की मूवी है। तो फ्रेंड्स, मूवी में काफी ज्यादा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी थे। मैंने जैसा सोचा था वैसी मूवी नहीं निकली है, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भाई एक तो फीमेल सेंट्रिक मूवी थी। तो फीमेल सेंट्रिक मूवी के बेस पर हम बोल सकते हैं कि मूवी बहुत अच्छी थी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा मूवीज ऐसी हैं जो फीमेल सेंट्रिक होती हैं और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, लेकिन भाई ये मूवी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अभी तक बॉक्स ऑफिस में 44 करोड़ का कलेक्शन भी कर चुकी है। तो भाई वो एक अच्छी स्टोरी होने के कारण ही है। स्टोरी तो नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन यार मैंने ट्रेलर देखकर सोचा था कि जैसे भाई गरम मसाला मूवी आई थी तो उसमें भाई हमें अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम, एक एयर होस्टेस की स्टोरी तो थी, लेकिन उसके साथ साथ यार कॉमेडी करते हुए नजर आए थे। तो मुझे लगा था वैसी टाइप की स्टोरी मुझे लगा था देखने को मिलेगी क्रू मूवी, लेकिन फ्रेंड्स उससे हटके हमें विजय माल्या टाइप स्टोरी दिखाई गई है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जिसके कारण हो सकता है मुझे मूवी अच्छी नहीं लगी, लेकिन काफी लोगों को मूवी अच्छी लगी है। तो मूवी की स्टोरी ये ऐसी ही थी। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक या साउंड की बात करें तो भाई बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा दिया गया है, जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, धीरे धीरे बजता रहता है भाई सारी मूवी में, तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी एक्टिंग, डायरेक्शन बहुत बढ़िया थी, एक्टिंग तीनों की बहुत बढ़िया थी। और इसके साथ साथ आपको कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ एज ए गेस्ट अपीयरेंस रोल में नजर आएंगे। तो भाई वो उनका रोल भी जितना था छोटा सा रोल दिखाया गया है, बहुत बढ़िया दिखाया गया है। और दिलजीत पाजी का रोल एज ऑलवेज यार बहुत बढ़िया था, और कपिल शर्मा का रोल भी बहुत बढ़िया था। तो भाई ओवरऑल अगर बात करें तो मूवी एवरेज थी मेरे हिसाब से, मूवी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। तो इसीलिए मैंने फ्रेंड्स इस मूवी को रेटिंग्स दी है 5 में से 3 स्टार्स रेटिंग। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी मूवी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।